नमस्कार, एश न्यूज आपका सशस्त्र चैनल में स्वागत है। खबर गाजीपुर से है, जहां पुलिस ने चार साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मनमासों को दुर्लभपुर थाना क्षेत्र के धर्मागतपुर इलाके से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मनमासों के पास से चार कारतूस, छह तमंचे और लूट के 69,000 रुपए बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश लूट की कई वारदातों में शामिल रहे हैं। गिरफ्तार सभी बदमाश गाजीपुर के रहने वाले हैं और उन पर संगीन अपराधों के दर्जनों केस दर्ज हैं। 86,000 की लूट थी, उसमें भी करीब इनसे 40,000 की बरामदगी हुई है। कुल मिला के करीब 56,000 रुपये की बरामदगी इन शातिर बदमाशों से हुई थे। इसमें एक उल्लेखनीय बात यह है कि जैसे ही 5 तारीख में घटना हुई थी, तो इसी गैंग का एक बहुत सक्रिय सदस्य है जो अपनी जमानत तोड़ा के जेल चला गया था, जिससे कि इस अपने नापाक अपराध से अपना बचाव कर सके। लेकिन बुरे काम जो है अपराधियों का पीछा करते रहते हैं, उसे भी मुलजिम बनाया गया है, क्योंकि 5 तारीख की घटना में और इससे पहले की जो भी घटना इनके द्वारा की गई हैं, उन सभी में वो अभियुक्त भी संलिप्त था। तो आज 4 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिन चारों के पास से अवैध तमंचे और खोखा कारतूस और कारतूस, जीवित कारतूस बरामद हुए हैं। लूट की संपत्ति और चोरी के मोबाइल सब इनसे बरामद हुए हैं। ये एक बहुत ही प्रशंसनीय काम हमारी दुल्लापुर पुलिस और सात टीम गाजीपुर द्वारा किया गया। ये रैकी करते थे पहले, ये आइडेंटिफाई करते थे कि सॉफ्ट टारगेट कौन है और सुनसान रास्तों को चुनते थे। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि इसकी ये रैकी कर रहे थे पिछले कुछ दिनों से कि ये आदमी कहाँ कहाँ से कलेक्शन करके आता है। दूसरा, इन लोगों का हमेशा प्रयास ये रहता है कि बॉर्डर के आसपास की घटना करें, जिससे कि जब 100 पर सूचना जाती है तो 2 जनपदों की पुलिस आपस में उलझी रहती है कि ये घटना वहाँ की है, वहाँ की है। इन लोगों का इतिहास, पुराना इतिहास भी है, ये मनगढ़ किस्म के और इस तरह की घटनाओं में संलिप्त इनमें से कुछ लोग पूर्व में भी रहे हैं। तो ये इस समय इनकी घटनाओं में बड़ी तेज़ी से वृद्धि हुई है। पिछले 20-25 दिन में इन्होंने कुछ घटनाओं को किया है और भी प्रयास कर रहे हैं, किसी और जनपद में तो नहीं किया, उसका भी प्रयास कर रहे हैं जानने के। इस गैंग का एक जो मुख्य सरगना था विशाल यादव, वो मैं बता रहा हूँ, वो अपनी जमानत तोड़ा के 6 तारीख में ही अपने पूर्व के मुकदमे में जेल चला गया था पुलिस के बहस से। बाकी 4 लोग उनकी आज गिरफ्तारी हुई थी, रात में मौके से हुई थी, और अगर कल इनकी गिरफ्तारी नहीं होती तो निश्चित रूप से किसी और। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, नई वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।